प्लस टू क्लास स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपका पी ब्लॉक चैप्टर। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, आपको पता है बेटा। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं हमारे, क्योंकि आप देखते हो जब भी जो हमारा एस होता है उसमें 2 फिल होते हैं। और तो ये देखो, पी के 3 होते हैं हमारे पास एक्सेस, एक्स वाई जेड 3 एक्सेस है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक में फिल होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में फिल हो सकते हैं। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो डेली लाइफ में भी हम बहुत यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये वाले मैंने पीरियोडिक टेबल में शो किए गए हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है आपका बोरन। तो बोरोन का भी आप देखते हो डेली लाइफ में पी यूज़ होता है, एल्युमिनियम घर पे यूज़ करते हो, तो ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, घर में यूज़ करते हो, बहुत सारी उनकी बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसके राइट साइड पे जो होता है ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, दे आर नोन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 13 से लेके हमारे 18 तक जो ग्रुप हैं वो हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स हैव 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो इनके आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं उसमें 3 से लेकर 8 तक जो होते हैं शेल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो आपको पता ही है पी ब्लॉक का एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका पी में जा रहा है उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। देन लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज ग्रुप्स एलिमेंट ऑक्यूपाई दी पोजिशन इन पी। तो जिनकी मतलब पोजिशन पी होती है सब शेल की, जो जैसे हमारे पास क्या होता है एस है वो इसके 2 होते हैं, देन हमारा क्या होता है एस के बाद पी होता है। तो ये देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, दिस इज एस ब्लॉक, देन इसमें चले गए नेक्स्ट में पी में, तो हम उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उनके इलेक्ट्रॉन्स पी ब्लॉक में जा रहे हैं हम उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशंस, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2, NP1, 6, तो ये इनका क्या होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम डिस्कस करते हैं। आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज वी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी हम जो हमारा पीरियड होता है, ठीक है, उसमें लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारी क्या होगी, इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो मीन ये डिक्रीज होगी हमारी टॉप टू बॉटम। बट ग्रुप 15 इज़ हैविंग एक्सपेक्टेशनली लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। लेकिन क्या होता है, हम बोल रहे हैं उनकी डिक्रीज होती है जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। तो देन बट 15 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी होती है, उनकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए क्या होती है उनकी जो वैल्यूज़ है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की कम होती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल। सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप 18, तो जो ग्रुप 18 होते हैं उनकी 0 अफिनिटी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट रूल, क्योंकि वो लास्ट वाले होते हैं 8 के, उनका वो पूरे एक्स पी के हमारे जो ऑर्बिटल्स है फिल हो जाते हैं। तो मीन उनकी क्या होती है, वो ऑक्टेट रूल को पूरा कर लेते हैं और उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। सो दैट्स वाई उनकी क्या होगी, 0 अफिनिटी। तो नेक्स्ट इज मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा बेटा 10th में, द मेटालिक करेक्टर इज गवर्न्ड बाय। तो जो मेटालिक करेक्टर था वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जिस हमारे पास जिस एलिमेंट का बिगर साइज होगा तो उसकी क्या होगी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब एनर्जी होगी उसकी, एंड ग्रेटर मेटालिक करेक्टर होगा, मीन बिगर साइज having low ionization energy and also greater metallic character. Then after combining both,
तो जब भी हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी मतलब फाइंड होती है उससे क्या प्रूव कर सकते हैं, दी एलिमेंट विद अबव टू प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड इन लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पी। तो इनसे हम प्रूव करते हैं कि जो लेफ्ट कॉर्नर ऑफ पी ब्लॉक है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग इन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। तो वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में एंड लोकेटेड एट राइट कॉर्नर डायगनल स्ट्रिप ऑफ एलिमेंट सेपरेट टू दस टू हैविंग इन ए बिटवीन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटलाइट्स। तो बेटा जो उनके बीच के होंगे एलिमेंट उनको हम मेटलाइट्स बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, द पी ब्लॉक एलिमेंट शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन शो करते हैं, वो पॉजिटिव भी शो करते हैं और नेगेटिव भी शो करते हैं हमारी। सम ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनके ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, वेयर देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रीडोमिनेंट। तो क्या होता है, जिसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्रीडोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक इन टेबुलर फॉर्म। तो मैं इसकी आपको कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ये देखो, फर्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियाई। तो ये बताया गया है अलॉन्ग द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगी, अलॉन्ग द ग्रुप टॉप टू बॉटम इनक्रीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल इनक्रीज और डॉप टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो ये वाला टेबल बेटा आपने लर्न करना है अच्छे से। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये बच्चे आपने देखना है लेफ्ट टू राइट इनक्रीज डिक्रीज, ये सारा आपने लर्न करना है। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, हमने ग्रुप 13 में आपका बोरन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका, हम ग्रुप 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप 15 में आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, बिस्मिथ, ये सारे आपके एलिमेंट आते हैं। द फर्स्ट टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड पी आर नॉन मेटल्स। तो आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है क्या, वो नॉन मेटल्स हैं। और नेक्स्ट जो है आपके मेटलॉइड्स हैं और बिस्मिथ क्या है आपका, मेटल है। तो ये देखो टेबल में, तो ये देखो आपका फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, तो जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं हम सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली की। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। तो नाइट्रोजन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम ए मिनरल नोन एज ए नाइट्र। तो जो नाइट्रोजन है उसका नेम नाइट्रल मिनरल से आया था, जिसको मतलब प्रिपेयर किया गया था, एक फिजिशियन थे डेनियल रदरफोर्ड, इन्होंने 1770 में इसको प्रिपेयर किया था बेटा। तो फिर उन्होंने इसके बारे में बताया कैसे इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया। नाइट्रोजन इज़ ए फेयरली कॉमन एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट। तो ये हमें अर्थ से क्रस्ट से मिलता है, तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और 78.08% ये हमारे एनवायरनमेंट में होता है। दी ग्रेटेस्ट यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इज़ इन अमोनिया। तो हम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अमोनिया के लिए, मतलब लाइक फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। और इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं, वेयर इनर्ट एटमॉस्फेयर इज़ नीडेड, ऑर्डनरी लाइट बल्ब। नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोटेक्टिंग हिस्ट्रिक डॉक्यूमेंट्स। तो नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड स्टफ एंड एक्सप्लोजिव्स। तो फूड को स्टोर करने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। आप देखते हो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को स्टोर किया जाता है ताकि आपके चिप्स, कुरकुरे वगैरह स्पॉयल ना हो सके, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ एब्सोल्युटली इनिशियल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑल मॉलिक्यूल्स का। अमंग अदर फंक्शन आर बिल्डिंग मटीरियल इन ऑल काइंड ऑफ सेल, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर वन ऑफ द कॉज ऑफ टॉक्सिन रेन्स। तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कॉज होता है टॉक्सिक रेन का। तो नेक्स्ट हम फॉस्फोरस आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।